Morning class, let's continue our topic polynomials, and today we'll be solving exercise 2c which is on page number 84. But before solving the question of exercise 2c, let's learn a new concept jisko hum bolte hain division algorithm. Kya bolte hain? Division algorithm. Theek hai, pehle hum division algorithm aise numbers pe dekhte hain, fir hum dekhenge division algorithm for polynomials. तो देखो, सबसे पहले सपोज मैंने 11 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो कैसे होगा? 2 इंटू 5 इज 10 और रिमाइंडर बचता है हमारा 1, ठीक है. अच्छा, अब देखो ध्यान से, जो 1 बचा इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है. जो ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट. जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है. जो डिवाइड कर रहा होता है, 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइजर, 11 डिवाइड हो रहा है तो 11 डिविडेंड. जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. अच्छा, आपको पता है ये डिविजन तब तक चलता जाता है जब तक जो रिमाइंडर है, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब तक जो रिमाइंडर है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता. मान लो अगर ये यहाँ पर 2 से बड़ा होता 3, तो हम इसको फिर से डिवाइड कर देते. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन डिवाइजर, और अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा होता तो बचता 0. इसका मतलब जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, इट मस्ट ऑलवेज बी स्मॉलर देन द डिवीजर और 0. अगर यहाँ पर ये 3 होता तो ये फिर से देखो डिवाइड हो जाता. इसका मतलब ये आपको याद रखना है कि रिमाइंडर मस्ट ऑलवेज बी स्मॉलर और इक्वल टू 0, स्मॉलर देन डिवाइजर और इक्वल टू 0. तो ये हमने पढ़ा क्या, डिवीजन एल्गोरिथम इन केस ऑफ नॉर्मल नंबर्स. अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ से देखो ये लिख सकते हैं कि 11 कैसे बना होगा. 11 बना होगा 5 की मल्टीप्लाई 2 में, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, 5 की मल्टीप्लाई 2 में और प्लस 1, ऐसे ही तो बना होगा ये 11, ठीक है. अच्छा, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो बनती है उसको हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कोशेंट इंटू डिवाइजर. मैं लिख रहा हूँ डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस 1, मतलब प्लस रिमाइंडर. ये कहलाती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम. क्या कहलाती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. 11 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1. सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये हमने नॉर्मल नंबर्स के लिए किया है. अब हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, पॉलिनोमियल्स के लिए जब भी आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. पहली चीज़ तो मैं अभी बता रहा हूँ, दूसरी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे. चलो, पहली चीज़ ये कि हमेशा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पॉलिनोमियल, यानी जो डिवाइड हो रहा है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले होनी चाहिए. पर बिफोर डूइंग दैट डिविजन पार्ट, लेट क्विकली सी कि डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है. सपोज एक पॉलिनोमियल है fx, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है gx से, ठीक है. जैसे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 11, डिवाइड कर रहा है 2, तो यहाँ पर fx डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है gx, तो ऊपर बचेगा कोशेंट, कोशेंट को मैंने बोला qx, और जो नीचे बचेगा उसको मैंने बोला rx. अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ r फॉर रिमाइंडर, और सारे वेरिएबल x में हैं, तो rx, fx हमारा मेन है, gx जो डिवाइड कर रहा है, और qx कोशेंट है, तो इसलिए मैंने इसको qx बोला, ठीक है. तो इस केस में क्या आप मुझे डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं? तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है कोशेंट, ये हमारा है रिमाइंडर, और ये हमारा हो गया डिवाइजर. तो हमारा डिविजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी fx इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट
यानी जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर प्लस आर एक्स, ये हमारा कहलाता है डिवीजन अल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स या जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो रिमाइंडर होता है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर या ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ आर एक्स, मान लो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये डिवीजन हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर की डिग्री 2 से छोटी नहीं हो जाती या ज़ीरो नहीं हो जाती, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन डिग्री ऑफ जी एक्स और ज़ीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एफ एक्स को भी और जी एक्स को भी, तभी डिवीजन करेंगे, और दूसरा डिवीजन तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती या ज़ीरो नहीं हो जाती। सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर और डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन अल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई चीज़ पढ़ी है, यू नो दैट, आपने ये वैसे भी यू हैव लर्न दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब इसमें बस पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल है, तो जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन भी एक पॉलिनोमियल बचेगा और जो नीचे बचेगा वो भी एक रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल बचेगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर द डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन अल्गोरिथम। नोट डाउन इन योर कॉपीज एंड विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2C। ओके क्लास, लेट्स सी वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2C। कह रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन, यानी हमें एक्चुअल डिवीजन करना है। अभी एक्चुअल डिवीजन क्यों लिखा है? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक्चुअल डिवीजन पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो जो हम डिवीजन करते हैं एक्चुअल डिवाइड करते हैं वो हम रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो वी विल स्टडी रिमाइंडर थ्योरम ऑल्सो बट लेटर ऑन। पर अभी हमें करना है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशन एंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, यानी डिवाइड कौन हो रहा है, तो डिवाइड इसमें कौन हो रहा है आप बताइए, व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, यानी जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं एफ एक्स, यानी एफ एक्स कितना है एक्स की पावर 4 प्लस 1, जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं जी एक्स। अच्छा, इनकी जगह आप एफ एक्स जी एक्स लें, कुछ भी ले सकते हैं, पर ये जनरल नॉमेनक्लेचर है तो हम इसके लिए जनरल फॉर्म में ही उसको लिख रहे हैं। तो जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स हो गया एक्स माइनस 1। हमें निकालना है कोशेंट, कोशेंट को हमने क्या बोला था क्यू एक्स, हमें क्यू एक्स निकालना है, और हमें क्या निकालना है रिमाइंडर, रिमाइंडर को हमने आर एक्स बोल दिया, ठीक है। चलो, तो हमें एक्चुअल डिवीजन करना है, वेरीफाई नहीं करना है। चलो, तो सबसे पहले हमें पता है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस 1, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। अब देखो, डिवाइड करने के लिए बहुत बच्चे हैं डिवीजन में गलतियां करते हैं, तो इसलिए डिवीजन करने के लिए आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आराम से मैं करा रहा हूं, और अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ऑफ डिवीजन। तो देखो, यहां पर पहली टर्म क्या है एक्स की पावर 4 लिख लिया मैंने, यहां पर पहली टर्म क्या है एक्स मैंने लिख लिया, ठीक है। अब एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है कि ये ऊपर जाके माइनस कर देता है या डायरेक्ट हम काट सकते हैं, तो जब इससे इसको काटा क्या बचा एक्स क्यूब बचा, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब से। दोबारा करा देता हूँ मैं, देखो इसका पहला टर्म देखो क्या है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 लिख लिया, इसका पहला टर्म क्या है एक्स अपॉन एक्स लिख लिया, जब इससे इसको काटा तो आ गया एक्स क्यूब, यानी ऊपर मल्टीप्लाई किसकी होनी है एक्स क्यूब की, समझ में आया, ऊपर मल्टीप्लाई किसकी होनी है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की जब हमने एक्स के साथ, अब देखो इन दोनों की एक एक करके इससे मल्टीप्लाई करनी है, जब हमने एक्स की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करी तो एक्स इंटू एक्स क्यूब इज एक्स की पावर 4, और जब हमने 1 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करी तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो, मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया और अनलाइक टर्म्स को अलग लिख लिया, अनलाइक टर्म्स मतलब ये 4 था 4 आ गया, पर जब हमने 1 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करी तो यहाँ पर एक्स क्यूब तो है नहीं, इसलिए मैंने उसको 1 के नीचे नहीं लिखा, थोड़ा सा आगे लिख लिया,
माइनस एक्स क्यूब, इज दैट क्लियर? पर इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग में लिखना है, यानी अगर मैं इसको पहले उतारूंगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, इसलिए मैं इसको 1 से थोड़ा सा 1 के नीचे ना लिख के थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ, माइनस एक्स क्यूब, इज दैट क्लियर? लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, जैसे x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 लिख लिया, और यहाँ पर अगर x क्यूब होता तो x क्यूब के नीचे मैं x क्यूब को लिख लेता। अब क्या होता है, साइन चेंज, साइन चेंज मतलब ये देखो किसका x की पावर 4 प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये किसका है माइनस, इसको आप कर दीजिए प्लस, ठीक है? और जो हमने साइन चेंज किए हैं, अब हमें जो साइन चेंज हुए हैं उन्हीं से मतलब है। अब देखो ये x की पावर 4 प्लस का है, ये x की पावर 4 माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, ये x क्यूब प्लस का है तो ये एज इट इज़ नीचे आ गया x क्यूब, ये 1 ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता, हमेशा नीचे वाले का साइन चेंज होता है, 1 एज इट इज़ आ गया, क्या हो गया प्लस 1, इज दैट क्लियर? तो अब हमें इससे इसको डिवाइड करना है, नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने आपको बताया था पहले हमें क्या देखना है, x क्यूब लिख लिया, फिर यहाँ पर पहला क्या देखना है x लिख लिया, तो जब हमने इससे इसको काटा क्या बचा x स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया प्लस का x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की जब x में मल्टीप्लाई हो गई तो आ गया हमारा x क्यूब, और माइनस 1 की जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुई तो आया माइनस का x स्क्वायर, ठीक है? इसको 1 के नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा आगे लिख दे रहे हैं, इसको 1 के नीचे नहीं लिखना है, तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर, इज दैट क्लियर? अब फिर से साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, जो साइन चेंज होते हैं अब हमारे ये फाइनल साइन हो जाते हैं, ये x क्यूब प्लस का है, ये x क्यूब माइनस का है, तो दिस विल कैंसिल आउट, यहाँ से नीचे क्या आ गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस का हो गया तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 1 हमने नीचे बुला लिया, ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होते हैं। अब देखो इसका पहला टर्म क्या है x स्क्वायर, इसका पहला टर्म क्या है x, तो अब हमने x स्क्वायर अपॉन x कर लिया, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस का, तो प्लस के x से मल्टीप्लाई होगी, तो x की मल्टीप्लाई जब x में करी तो कितना आ गया x स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई जब माइनस में करी तो आ गया माइनस का x, इज दैट क्लियर? अब फिर से क्या होंगे इसके साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, दिस विल कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा हमारे पास x, और 1 एज इट इज आ गया x प्लस 1, इज दैट क्लियर? नाउ इसका पहला टर्म क्या है x, अच्छा इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, डिग्री छोटी होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, यानी अभी ये डिवीजन चल रहा है, देखो यहाँ पर डिग्री 4 थी, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर डिग्री 3 थी, यहाँ पर 1 थी, तो डिग्री हमेशा या तो छोटी होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी डिग्री 1, यहाँ पर भी डिग्री 1, यानी अभी हमारा डिवीजन चलेगा, तो यहाँ पर पहला क्या है x, यहाँ पर पहला क्या है x, तो x अपॉन x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो 1 से जब x की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया x, और 1 से जब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी तो आ गया माइनस का 1। अब देखो ये लाइक टर्म्स है तो मैंने उसको एक के नीचे एक लिख दिया, साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो x एंड x विल कैंसिल आउट, एन प्लस 1 एन प्लस 1 विल बिकम 2, सो आवर रिमाइंडर इज 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करके आया, क्वेश्चन आया हमारे पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है? और हमारा रिमाइंडर क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया 2, क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो गया, और कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, एंड दिस इज आवर आंसर, हैव अ लुक। अच्छा क्वेश्चन में एक पार्ट और है, अब देखो ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने क्यू एक्स मान लिया था, यहाँ मैं क्यू एक्स लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर को मैंने आर एक्स माना था तो मैंने आर एक्स लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कह रहा है कि वेरीफाई दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू, हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई दैट रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ वन, ये हमें वेरीफाई करना है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ वन। क्या कोई मुझे बताएगा एफ वन का मतलब क्या है? यस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो एफ वन मतलब एक्स की जगह पर हमें क्या लगाना है, 1 लगाना है, ठीक है? तो 1 लगा दो, इसमें एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पर 1 लगा दो, तो जैसे ही हमने यहाँ 1 लगाया, एफ 1 लगाया, तो हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1, और 1 की पावर 4 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और क्या हमारा रिमाइंडर 2 निकल के आया था? यस, हमारा रिमाइंडर 2 निकल के आया था, इसका मतलब इट इज वेरीफाइड, इज दैट क्लियर? हैव अ लुक, एंड फॉर योर होमवर्क यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू मत करना, वो वेरीफाई का है। यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर वन, और एग्जाम्पल नंबर वन इज वेरीफाई, ये भी वेरीफाई का है, पर आपको ये वेरीफाई नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू लॉन्ग डिवीजन से करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मतलब जैसे मैंने लॉन्ग डिवाइड किया ऐसे ही आपको लॉन्ग डिवाइड करना है फॉर योर प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।